के अंदर ऊर्जा आएगी, साहस आएगी। आज रानी दुर्गावती जयंती है, रानी दुर्गावती अकेले ने जो अकबर की सेना थी उसको ऐसा पछाड़ा था कि दोबारा लौट के नहीं आया। पहले युद्ध में ही उसको मार डाला था। ये स्थिति आई थी, ऐसे कई सैनिकों को मार दिया था उसने। तो रानी दुर्गावती बनना होगा आप लोगों को, नहीं तो इस जो भारत देश है इसमें नारी शक्तियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। भले वो नेता मंत्री बड़े बड़े मंच पर बैठते हैं, हमारा संविधान को लागू नहीं करते, लेकिन संविधान में हमें नारी शक्तियों के लिए स्पेशल अधिकार मिले हैं, लेकिन उस अधिकार का हमारे ऊपर बैठे लोग ही उल्लंघन करते हैं। नारी शक्तियों को कहीं आगे बढ़ने नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगी तब तक हम लोग डरे से हमें रहेंगे। लेकिन आज से आप लोग को सब खा के जाइए कि हम भी कभी भी कोई कार्यक्रम होगा तो रानी दुर्गावती बन के बैठेंगे, काली काली कंकाली दाई जैसे बन के बैठेंगे, रानी दुर्गावती कमलावती माँ सावित्री बाई फूले जैसे बन के बैठेंगे, जिन्होंने लड़की के लिए पहला विद्यालय खोला था। ऐसी माँ सावित्री बाई फूले जी को भूलिए आप, जिन्होंने लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिया था। ऐसी माँ को भूल जा रहे हैं हम लोग, और हम किसको माँ समझ रहे हैं? सिर्फ पैदा करती है और ज्ञान देती है, चलना सिखाती है, हमारे कपड़े बदलती है, हमें बोलना सिखाती है। वो माँ को पूजिए, उंगली पकड़ कर चलना सिखाते है कि बेटा इस रास्ते पे जाना है, बेटी इस रास्ते पे जाना है। वो हमें ज्ञान देते हैं। ऐसे भगवान को पूजिए आप लोग, ना कि इस दुर्गा को, इस सरस्वती को, इसको उसको। मेरा कहने का मतलब है सबसे बड़ा भगवान इस देश में है तो वो हमारे माता पिता है और कोई नहीं है। साथियों याद रखना, अपने माता पिता को ही आप लोग पूजा करना, क्योंकि इससे बड़ा कोई भगवान इस देश में नहीं है। इससे बड़ा कोई भगवान इस देश में नहीं है। जो अपनी माता पिता की सेवा करता है वही आगे चल के आगे बढ़ता है, और वही वो पंडित बोलता है ना स्वर्ग नर्क में जाता है, उसको भी नहीं पता है कि स्वर्ग नर्क में जाते हैं। बल्कि हम ऐसे लोग हैं जो मर के भी जिंदा हो जाते हैं। हम ऐसे समाज से हैं जो मर के भी जिंदा हो जाते हैं। ऐसी किसी समाज में हो तो बताइए आप लोग, है क्या? तो ऐसे समाज के लोग हैं हम। हमें खुशी होनी चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए, इस समाज में हम पैदा हुए हैं, इस आदिवासी समाज में पैदा हुए हैं। मैं गर्व से बोलती हूँ, मैं गोंड हूँ, मैं आदिवासी हूँ और आदिवासी की बेटी हूँ, और मैं दहाड़ूंगी भी, और लोगों से जो शोषण अत्याचार करते हैं उनको पछाड़ूंगी भी। तो मैं बस मात शक्तियों से जो सियाने लोग बैठे उनके लिए भी बोलूंगी कि आप अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, जो भी है आपके घर में मात शक्तियों को लेकर आइए, ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में जोड़िए, ऐसे संगठनों में जोड़िए, तब जाके आपकी बेटी, जैसे आज मैं बोल रही हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे 10-10 दिन, मैं घर से बाहर भी रहती हूँ ना, तो सोचिए आप भी एक पिता है, जब आपकी बेटी घर से बाहर होती है तो दिल पे पत्थर रखकर भेजते हैं कि इतनी दूर जा रही है लड़की। तो आप लोग, मेरे पिताजी ने जब मुझे समाज सेवा करने के लिए आजादी दे दी है, तो आप लोग भी अपनी बेटियों को आजादी दे सकते हैं, और उन लोगों को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि बेटी आज समाज है तो हम हैं, समाज नहीं है तो हम नहीं हैं। आप लोग बताइए और उनको संस्कृति भी बताइए, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हमारी जो समाज की लड़कियां हैं, हमारी जो समाज के लड़के, उनको संस्कृति नहीं पता है कि हमें किस गोत्र में शादी करनी है, किस जगह शादी करनी है, किस जगह नहीं करनी। तो वो क्या करते हैं, पंडितों के लड़के से, लड़कियों से शादी करते हैं। क्यों करते हैं ये नहीं बताने का, जो अपने पूर्वज है मैं उनकी गलती समझती हूँ, क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को ये चीज का ज्ञान नहीं देते हैं। यदि आप ज्ञान देने लगे तो कभी पंडितों में या कहीं पे भी शादी नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने समाज में शादी करेंगे और इसके सिवा कहीं शादी नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग को बताना पड़ेगा अपनी बेटियों को, क्योंकि हमारा जो व्यवस्था बनी है ना वो इतनी खूबसूरत व्यवस्था है कि हमें पता होता है कि हमें किस लड़के से शादी करनी है, किस से नहीं करनी, कौन हमारा भाई लग रहा है और कोई हमारा सगा लग रहा है, ये हमें पता होता है। आज मैं उइके की लड़की हूँ, मैं धुर्वे के लड़के से शादी कर सकती हूँ, मैं 6 देव वाली हूँ, मैं 7 देव वाले से शादी कर सकती हूँ, तो मुझे पता है। इसलिए मैं कभी गलती नहीं करूंगी कि मैं अदर कास्ट में जाऊँ, अदर लोगों से शादी करूँ या अदर लोगों के पास जाऊँ, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी व्यवस्था इतनी सुंदर है, मेरी संस्कृति इतनी सुंदर है, मैं प्रकृति में रहने वाली
मेरा समाज प्रगतिवादी है, समाज प्रकृति को पूजने वाला है, किसी पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं देता मेरा समाज। लेकिन मेरे समाज को कोई जानकारी नहीं होता तो हम जैसे युवा लोगों को दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है कि हमारा समाज आज पाखंडवाद में उलझा पड़ा है। इसके सिवा उसको कुछ नहीं पता, लोग इसी का फायदा उठा रहे हैं और आज वो सत्ता पे बैठे हैं और सत्ता को आज चला रहे हैं और हम गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं। क्या आप लोग ऐसे चाहते हैं कि गुलाम की जिंदगी जीना आप लोगों को? नहीं चाहते ना, तो क्यों आप लोग अपने वोट को सिर्फ चंद देशों में बेच देते हैं? एक एक वोटर आती इतनी बड़ी उसमें बेच देते हो, एक मुर्गा में बेच देते हो, आप अपने वोट को इतने हल्के में रहते हो। अरे आपके बीच में अपने समाज का हो चाहे कोई हो, लेकिन अपने बीच में आके वो बैठ रहा है, खाना खा रहा है अपने समाज की या इस देश में कहीं की भी। यदि वो समस्याओं के ऊपर आवाज उठा रहा है तो हमें ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए, नहीं तो एरे गेरे नत्थू गेरे तो बहुत आते हैं। ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए। हमारा वोट बहुत कीमती है क्योंकि हम पूरा 5 साल इनको दे देते हैं और एक रुपए दो कई होटल मिलती है तो नाम भी नहीं आता उसका ना, उसमें बिक जाते हम लोग। क्यों बिक रहे हो आप लोग? क्या आप लोग सिर्फ इतनी कीमत है आप लोगों की कि आप लोग कुछ एक होटल में बिक जा रहे हो? ये कीमत है आप लोगों की? ये कीमत है? मुझे शर्म आती है कभी कभी तो कि हमारी वोट की कीमत ये नहीं डाल रहे, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत हमारी वोट की ताकत है। हम चाहेंगे तो राजा बना सकते हैं और हम चाहेंगे तो उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। साथियों, मिट्टी में मिला सकते हैं, ये हमारी ताकत है। तो आप लोग सोच समझ के ऐसा नेता चुनिए। मैं इसका उदाहरण भी दे देती हूँ आप लोगों को। क्या करते हैं, मतलब कोई भी हो समाज की बेटी के लिए यदि कोई लड़का ढूंढते हैं तो उसको तो बड़ा देखते हैं, यार ये गोरा है कि नहीं, सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, खाना बना लेता है कि नहीं बना लेता, नौकरी करता है कि नहीं करता, देखते हैं कि नहीं। सभी पिता देखिए अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढेंगे तो देखेंगे कि नहीं, बताइए? देखते हैं ना, सारी खूबी देखते हैं लड़के के अंदर कि हमारी बेटी कैसे खुश होगी यदि हम ऐसी उठा कर दे दिए किसी को, देखते हैं ना। बेटा हो या बेटी, उसके लिए लड़का या लड़की आप लोग देखते हैं तो ठोक बीन कर देखते हैं, ऐसे कोई नहीं दे देता उठा के अपनी बेटियों को। तो यही सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि आपके बीच में कोई खड़ा हो रहा है प्रतिनिधि तो उसको पहले ठोक बजा के देखिए कि ये मेरे समाज में आया था कि नहीं, ये बैठा था कि नहीं, या मेरे साथ खाना खाया कि नहीं, कि मेरी समस्या को समाधान किया था नहीं, ये मेरी बात वहां तक ले जाता है कि नहीं, कलेक्टर के पास, सरपंच के पास। तो ऐसे लोगों को मैं कह रही हूँ आप लोग ऐसे लोगों को वोट दीजिए जैसे आप अपने बेटी के लिए वो दामाद देखते हैं। ठोक बजा के देखिए आप लोग, तब जाके आपकी वोट की कीमत सही होगी, नहीं तो कहीं नहीं होगी। ऐसे ही देते रहेंगे, ऐसे ही फेंकते रहेंगे और हम जिंदगी भर गुलाम की जिंदगी जीते रहेंगे। हमें